हेलो दोस्तों, प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम कल के लिए दो बेहतरीन स्टॉक लेकर आए हैं जो आपको इंटरडे मार्केट में ज्यादा परफॉर्मेंस देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बाजार को देख लेते हैं। तो निफ्टी हल्की सी तेज़ी के साथ क्लोज़ हुआ है। निफ्टी नेक्स्ट 50 काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ क्लोज़ हुआ है। मिड कैप में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। बैंक निफ्टी भी हल्की सी तेज़ी के साथ क्लोज़ हुआ है और इसी रेंज में दोस्तों हमें सेंसेक्स भी क्लोज़ होते देखने को मिला है। मार्केट की कंडीशन देखें तो आज न्यूट्रल हमें देखने को मिले है, ठीक है, जो कि हमारे लिए काफ़ी बढ़िया है। और आगे देखते हैं आगे किस प्रकार से और मोमेंटम आता है, यह सब भी आगे हम जरूर आपको अपडेट करेंगे। तो अब हमारा जो फर्स्ट स्टॉक है उसको अपडेट कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट स्टॉक है उसका नाम है टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा की अगर मैं बात करता हूँ, काफ़ी बढ़िया स्टॉक मोमेंटम करा है, लेकिन एक वे देखिए उसकी क्या है। ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर जाके फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाके नीचे आया। मतलब जो बायर है, ठीक है, वो नीचे से उसको बहुत अच्छी तरीके से पुश तो कर रहे हैं, लेकिन वो इस रेंज में जाने के बाद सेलर की चपेट में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर, यहाँ पर और यहाँ तो काफ़ी ऊपर से आया सेलिंग प्रेशर। ठीक है, कंटिन्यूसली यही हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये एक सपोर्ट की रेंज में भी आया है। अगर ये सपोर्ट की रेंज में आके अगर ये सपोर्ट लेवल कल की डेट में ब्रेक करता है, ठीक है, तो एक गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर आने के बाद उसने बहुत समय लिया, मतलब यहाँ पर ना तो बायर का इंटरेस्ट था ना तो सेलर का इंटरेस्ट था। ठीक है, सेलर सोच रहा था कि ये लेवल टूटे जब मैं सेल करूं, बायर सोच रहा था यहाँ से सपोर्ट लेके रिकवरी करे जब मैं बाय करूं, लेकिन वो वहीं पर क्लोज हुआ है। ठीक है, अगर कल मॉर्निंग में दोस्तों सेलर अगर हावी हो जाते हैं तो स्टॉक को सीधी तरीके से नीचे ला सकते हैं। तो हमारे माइंड में भी यही चल रहा है कि स्टॉक को अगर सेलिंग प्रेशर झेलना आता है तो वो झेल सकता है, लेकिन यहाँ पर देखने को तो ये नहीं मिल रहा है कि झेल सकता है, तो इसके लिए हम इसको शॉर्ट करके ही चलेंगे। ठीक है, तो क्या है लेवल वो आपको अपडेट कर देता हूँ। इसको शॉर्ट करेंगे तो 2830 रुपये से शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट लगाएंगे दोस्तों 2820 का और दूसरा लगाएंगे 2810 का और ऐसे लगाएंगे 2840 का। इस हिसाब से दोस्तों क्या करेंगे, टोरेंट फार्मा के मोमेंटम को कैप्चर करेंगे। ठीक है, जब हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाएगा तो हमारा जो SL है वो हमारी कॉस्ट पर आ जाना चाहिए, देन उसके बाद हम सेकेंड टारगेट का वेट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं सेकेंड स्टॉक को अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है हमारा प्रॉफिट गुरु FNDCall का टेलीग्राम चैनल। ठीक है, जहाँ पर हम डेली बेसिस पे मार्केट के बारे में अपडेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आज भी हमने बैंक निफ्टी के बारे में अपडेट किया। सबसे पहले 51,500 का लेवल इंपॉर्टेंट है, 51,200 का सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर वेट करो दोस्तों इस रेंज का। ठीक है, निफ्टी के बारे में बताया कि 23,450 का लेवल इंपॉर्टेंट है, ऊपर 23,350 का लेवल नीचे के लिए इंपॉर्टेंट है, वेट करो। ठीक है, वेट करते करते दोस्तों हमें दिखा कि बैंक निफ्टी नीचे आया, सपोर्ट से एक अच्छा खासा रिवर्सल दे रहा है, तो हमें बाय करना चाहिए। तो हमने कॉल बाय किया, एक अच्छा खासा ट्रेड मिला, एक अच्छा खासा यहाँ पर टारगेट डन हुआ। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो जो 51,200 का सपोर्ट लेवल था वहाँ से 500 पॉइंट की रिकवरी है दोस्तों, छोटी मोटी नहीं, 500 पॉइंट की। ठीक है, उसके बाद फिर करीबन 1 बजे के समथिंग बताएगा कि बैंक निफ्टी अभी फुल साइडवेज है, प्लीज़ वेट प्रॉपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, उसके बाद ही ट्रेड लेना। लेकिन वो साइडवेज ही पूरा 3-3:30 बजे तक निकल गया। तो डेली बेसिस पे एक एक पॉइंट आप लोगों को अपडेट किए जाते हैं स्टॉक मार्केट के रिलेटेड दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी के रिलेटेड, जिससे आप सीख सको, समझ सको और जो मार्केट का प्रेशर रहता है वो पूरी तरीके से हटाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें फ्री में सीखने को यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, चलिए चलते हैं सेकेंड स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, हमारा सेकेंड स्टॉक है BEL का। BEL के अगर मैं बात करता हूँ, काफ़ी बढ़िया स्टॉक हमें देखने को मिलता है। डेली बेसिस पे दोस्तों अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंट दिखाता है, लेकिन वो ये रेंज में जाने के बाद थोड़ा सा प्रेशर भी अपने ऊपर महसूस करता है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो आज भी अच्छी खासी कंडीशन में अच्छे खासे नीचे से रिकवरी हुई, यहाँ से भी नीचे से रिकवरी है, यहाँ से भी नीचे से रिकवरी आई। अगर कल की डेट में वो इस रेंज को ब्रेक करता है लगभग 311-312 रुपये के आसपास की रेंज को, तो एक अच्छा खासा हमें ब्रेकआउट दिखा सकता है। क्योंकि पहले भी यहाँ से जो लेवल उसने ब्रेक किया तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आया, नीचे से बहुत तगड़ी रिकवरी है दोस्तों लगभग 6-7 तारीख के बाद से, तो स्टॉक अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसी वे में हम क्या करेंगे, स्टॉक को बाय करके चलेंगे। तो कहाँ से बाय करेंगे, 312 रुपये से बाय करेंगे। पहला टारगेट लगाएंगे दोस्तों, ठीक है, लगभग ये मान के चलिए 314 रुपये का। दूसरा टारगेट लगाएंगे 316 रुपये का, ठीक है, और SL की अगर मैं बात करता हूँ 310 रुपये का लगाएंगे। इस हिसाब से दोस्तों हम BEL पे फोकस करेंगे। जब हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाएगा तो हमारे ये जो SL है हमारी कॉस्ट पर आ जाएगा, उसके बाद हम सेकंड टारगेट का वेट
करेंगे, ठीक है। तो ये दो बेहतरीन स्टॉक है, दोनों पे हमने हमारा टेक्निकल एनालिसिस आपको अपडेट कर दिया है। आप भी अपना टेक्निकल एनालिसिस जरूर लगाइएगा, उसके बाद जो भी आप लोगों को अपडेट आता है, ठीक है, वो हम प्रोवाइड करेंगे। टेलीग्राम पे भी सारी चीज़ें अपडेट करेंगे, ठीक है। और आप फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो थैंक यू दोस्तों।